हाय फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका जो पर्पस है वो ये है कि जिन भी लोगों ने पित्त की पथरी का ऑपरेशन कराया है उन्होंने घर जाके क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि कई बार लोग उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं, आप ये खा लो ये मत खाओ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पित्त का रोल क्या है शरीर में। पित्त लीवर के साथ अटैच्ड एक ऑर्गन होता है जिसमें लीवर के अंदर एक सिक्रीशन बनती है, एक पानी बनता है जिसको बाइल कहते हैं। बाइल जो होता है हमारे पेट में जाके जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो गॉल ब्लैडर है यानी जो पित्त है, इसका काम होता है कि जो बाइल है उसको कंसंट्रेट करना, गाढ़ा करना। तो कुछ बाइल इसमें स्टोर होता है और वो गाढ़ा हो जाता है, और जब भी हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं तो वो पित्त स्क्वीज होता है और वो बाइल सारा जाके उस खाने को डाइजेस्ट कर देता है, डेफिनेटली उसकी फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो अब जब आपने पित्त की पथरी का ऑपरेशन कराया तो हमने उसमें गॉल ब्लैडर को निकाल दिया शरीर से। अब गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद आपको क्या क्या सावधानियाँ या प्रिकॉशंस लेनी है, ये वीडियो इसके बारे में। इसमें आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस का मतलब है कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना खाना खाना है घर जाके, और क्या प्रिकॉशंस जनरल लेनी है आपको, नींद कितनी लेनी है। तो सबसे पहले हम खाने की बात करते हैं। तो खाने में आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ मतलब सब कुछ, बस धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। पर बहुत ज़्यादा तेल घी वाली चीज़ मत लीजिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो खाना हल्के से धीरे धीरे चबा चबा के खाना है, और कुछ भी आप खा सकते हैं, इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है। लिक्विड में भी इनटेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहें वो पी सकते हैं। पर डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए आपको अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे वूंड हीलिंग डिले होती है। आपने कोई भी सर्जरी कराई हो तो उसमें इसको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है कि नींद कितनी लेनी चाहिए। नींद कम से कम 7 से 8 घंटे लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है और जो सर्जरी का स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है, उससे आदमी जल्दी रिकवर कर जाता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि क्या मैं नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। डेफिनेटली आप घर जाके सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं, पर आपको हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज, आप एक मेजर सर्जरी से निकलें तो हैवी एक्सरसाइज आपको कम से कम 6 हफ्ते नहीं करनी चाहिए। बाकी नॉर्मल वॉक करना, चलना फिरना, सब कुछ आप कर सकते हैं, एवरीथिंग रूटीन यू कैन डू। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि वूंड मैनेजमेंट, यानी जो ऑपरेशन में जो 4 जगह से आपके अंदर बॉडी के अंदर पोर्ट गया है, दूरबीन गई है, उसकी कुछ मैनेजमेंट में क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। घर जाके ड्रेसिंग कैसे करनी, आपके ऑपरेशन के बाद उन 4 जगह पे एक एक स्टिच लगाया गया, उस पर हल्की सी ऑइंटमेंट लगा के एक एक बिट जो बैंडेड होती है वो लगा दी गई। आपने घर जाके जब भी ड्रेसिंग करनी है तो बस बैंडेड को उतारना, बिटाडीन को, कॉटन को बिटाडीन में सोक करके, कॉटन को बिटाडीन में सोक किया, और जैसे ये स्टिच है तो इसके चारों तरफ ऐसे घुमा के उसको क्लीन कर दिया, फिर दूसरे को कर दिया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। उतनी देर में जब ये सारे ड्राई हो गए तो हल्की सी ऑइंटमेंट लगाई और एक एक बैंडेड लगा दी 4, बस दैट इज ऑल। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, लोगों के मन में आता है कि आप मुझे नहाना नहीं है। नो, यू कैन हैव नॉर्मल बाथ। आप जैसे सब नहाते हैं नॉर्मली, पर शॉवर को प्रेफर करिए, बाथ टब में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जख्म को हमको डिप करके पानी में नहीं रखना। आप शॉवर के नीचे खड़े होकर नहाइए, इट इज़ वेरी मच नॉर्मल, और जब भी ड्रेसिंग करनी है उसके पहले आप नहा लीजिए। अब आता है कि वूंड केयर, यानी अलार्मिंग सिम्टम्स कोई हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं अगर ये हो जाए तो मुझे तुरंत डॉक्टर को बताना है। यस, अगर आपका जख्म लाल हो जाए, कोई भी 4 स्टिचेस में से कोई भी जख्म बिल्कुल लाल हो जाए, और वो लाल जो है वो फैलनी शुरू हो जाए, सूजन वो फैलनी शुरू हो जाए, तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपके जख्म में से पस आनी शुरू हो जाए, मवाद यानी येलो कलर डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। अगर जख्म में से थोड़ा बहुत ब्लड आता है जो जमा हुआ है तो वो नॉर्मल है, पर अगर जख्म में से फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। इसके अलावा अगर आपके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है, या आपको लगता है जैसे उल्टी जैसा लग रहा है,
यह उल्टी बार बार आती है, दैट इज ऑल्सो अलार्मिंग साइन, यू नीड टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने पित्ते की पथरी का ऑपरेशन कराया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो, जैसे हल्दी होती है वैसे हो जाए, और हर बार येलो आए, ऐसा नहीं एक बार आ गया तो आपको कोई वरी करें, नो, अगर हर बार डार्क येलो कलर का आपको पेशाब आता है, या वाइट कलर का स्टूल आता है, या आपको कोई कहता है कि आपकी आंखें बहुत पीली लग रही हैं, तो इन सारी सूरत में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9814128667। हमारे हेल्पलाइन पे हमारा क्लिनिकल सपोर्ट स्टाफ हर समय अवेलेबल रहता है, तो आप किसी भी समय कॉल करके बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा हमारे पास हॉस्पिटल आ सकते हैं, हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सारी जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।